मैं चैलेंज के काबिल नहीं हूँ, चैलेंज हमारा कस्टमर ही पूरा कर रहा है। चैलेंज के काबिल नहीं भैया, चैलेंज वाला कस्टमर ही। कैसे बताऊं आपको, अभी जो है वो बज रहा है 12:57, सूरज से अंदाज़ा लगाओ 2 बजे से पहले मुझे ऑफिस पहुंचना है, और आज वहां से मैं जाऊंगा सीढ़ियों से पूरे 11 फ्लोर तक, पूरी कोशिश करूंगा, स्टैमिना चेक करेंगे, इतना पैदल चला हूं, आखिर ये टास्क भी पूरा होता है या नहीं। माइक के बगैर बना रहा हूं, माइक लगाएंगे आगे चल के, घर में हूं और यहां पे चूके ज़्यादा सही नहीं आता, बाहर ही निकल के करेंगे, नहा कर आए, गीले हो रहे, बाल बना के निकलते, वैसे पसीने भी आ जाएंगे। गर्मी है भाई, गर्मी ने लोगों की भी हालत खराब करी हुई हमारी। वेलकम टू माय चैनल वॉकर रांची जासल में खुश आमदीद, पसीने के साथ। पहले पानी था, 2 बजे से पहले पहुंचना है और टाइम हो रहा है अभी 1:05 हो चुके हैं। इट्स रियली टफ टू रीच ओवर देयर, और फिर फ्लोर भी चढ़ना है। ओके मैम, हाँ, द टफेस्ट पार्ट ऑफ द डे के अपने को बिरयानी ली, बिरयानी मैंने ले ली, रास्ते में दिखाई नहीं, अजान का टाइम है, लोगों ने कमीजें उतारी भी बैठे हुए भाई, मर्द हजरात। अब मैं जा रहा हूँ, खड़ी भी है चनेसर गोली और काफ़ी देर से स्टक है, और 1:34 हो रहा है। अगर इसी तरह मैं खड़ा रहा तो फिर तो मैं कभी भी ऑफिस स्टैंड पर नहीं पाऊँ। सामने से वैगनें आ रही हैं तो मुझे वैगन में जाना होगा, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि आज रश भी कम है, गर्मी बहुत है भाई। आई थिंक मैंने देख लिया, इतना तो एक्सपीरियंस है कि अब 11 ये वो स्टॉप पे खड़ी है, सो लेट्स मूव वो करते हैं। सो दैट्स द थिंग, राइट नाउ आई रीच्ड एट चनेसर रोड, इस वो रोड जा रहा है कहीं पास, और इस तरफ जो लेफ्ट हैंड पे वो है अख्तर कॉलोनी महमूदाबाद गेट, इशारा है गायदीन, यहाँ से आया मैं वो सामने रोड से उतर के और देर आएगा। सो अभी पहुंचा हूँ, टाइम बड़ा अच्छा मिल गया, 11 फटाफट मिल गई, फटाक से बैठ के उसमें अभी पहुंचा हूँ। अब लेंगे थोड़ा सा रेस्ट, आपको बताया था क्योंकि अंदर एसी चालू है तो वो बॉडी टेम्परेचर इसके साथ जो है ना मिक्स होके बड़ा ख़राब से जो सूरत हाल हो जाती है। सो राइट नाउ अभी मूव करूँगा ऑफिस के लिए, क्योंकि वहाँ मुझे मैंने बताया था लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करूँगा, पैदल जाऊँगा, 11वें फ्लोर तक पहुँचता हूँ या नहीं, इतनी वॉक की वीडियो बनाई है, ज़रा चेक तो करेंगे। वॉक तीसरे से चढ़ना स्टार्ट हूँ मैं, 4 फ्लोर तक आ गया हूँ, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, यहाँ से भागते हुए जाएंगे। मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, हिलेगा भी। फाइव हो गया, 6 है। सेवन, नाइन्थ फ्लोर। हसन तुम लोग लिफ्ट पे पहुंचे, आते ना मेरे साथ नीचे आ जा, आ जा, चैलेंज है सबके सामने बोल रहा हूँ, 5 से 10 मिनट ले यार, देर से हम बुढ़े जीते हैं, बुढ़े नहीं अभी भी हम मैच्योर हैं, नहीं बना सका, 9 तक मैं पहुंचा, तो चलो आज तक का तो स्टैमिना पता चला कि मेरा कितना है। सो खैर मज़ा आया, स्टैमिना वाकई है, आप जब इतना चलते हो तो फिर इस तरह की हार्ड चीज़ें करते हो, तो ये अब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे इस तरह की चीज़ें। आज खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं 9 तक भागते हुए मैं पहुँचा, पहले पैदल थोड़ा सा, फिर पैदल। फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मतलब ये है कि वो चीज़ जब रश हो जाए कस्टमर का, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं तो उस वक्त, तब मेरी आँखें भी लाल होती हैं, बाल भी उजड़े पे हो जाते हैं, दाढ़ी और ये वो बनवाने हैं यार, छुट्टी वाले दिन बनाएंगे, टाइम निकाल के बनाएंगे, और टाइम ही नहीं मिल पाता है, रात को एडिटिंग फिर उसके बाद ये ब्रेक, सो दैट्स द थिंग, अब मैं जाऊँगा ब्रेक लेने। फिर मैं ही नहीं कह रहा होता, ये जो मैंने भी आपको बताया ना कि जब काम का प्रेशर होता है तो फिर क्या सिचुएशन होती है, तो मैं नहीं, कोलीग्स भी हमारे कहते हैं, सही, तो क्या कहोगे, एग्री करोगे मेरी इस बात से? बिल्कुल, बात में आप भी एग्री करेंगे हम। ये बात कैसे आती है, और जब 3 दिन अगर चैट लगी हो फिर क्या होगा? अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। सो दैट्स द थिंग, सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मौका मिला
तो ये सीन मैं जम कट ले लूँगा अगर नहीं हुआ, और अगर हुआ तो फिर तो खैर मैं इसको एडिट नहीं करूँगा और यहाँ से मैं काटूंगा नहीं, फिर हम लेंगे वो सीन। मैं चैलेंज के काबिल नहीं हूँ, चैलेंज हमारा कस्टमर ही पूरा कर रहा है। लेकिन उसने मेरी आईडी सही कर दी, असल में यूट्यूब की आईडी थी, उसको लिंक कर दिया टिकटॉक से। अब टिकटॉक पे अगर खाली कोई यूट्यूब का प्रेस भी करते तो वो डायरेक्ट राउट हो जाएगा मेरे उस चैनल पे। So, ये बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, टिकटॉक की आईडी को मुझे यूट्यूब के ऊपर लेकर आना है। मेरे फेसबुक तो है, बाकी मेरी आईडीज हैं लेकिन ये नहीं है। ये मैं करूँगा इंशाल्लाह। आज जो मैं दोपहर को आया था ना, तो 1 से लेकर 3 तक मैं इसीलिए पैदल गया, वहाँ थोड़ी सी पब्लिक वब्लिक थी, सो दैट्स वाई ये सीन था कि पब्लिक थी। मैं इसीलिए आप लोग को कह कर आया था, फिर भी मैं पैदल गया ऊपर 3 से लेकर 9 फ्लोर तक मैं भागते हुए गया हूँ, 6 फ्लोर तक। सो इसका मतलब अब इतने वॉक करने के बाद स्टेमिना तो है, और ये स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। स्टेमिना जब आपका होता है ना, एक स्पोर्ट्स मैन ही जानता है, जो स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं उनको बेहतर पता है कि स्टेमिना क्या होता है, कितनी देर तक आप खड़े हो सकते हो, कितनी देर तक उन कामों को कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है स्टेमिना। फुटबॉल के अंदर जैसे हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल में तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। सो मैंने एक टाइम पर फुटबॉल खेली है, मुझे पता है, डेली सुबह को हम पहुँचते थे उसके अंदर। सो जितने भी हैं ना फुटबॉलर का, एक कहते हैं कि अगर रनिंग हो तो 22 किलोमीटर, लेकिन उसका पूरा तरीका होता है। खैर एनी वे, बहरहाल अब जाके फिर चैट्स लेंगे। कोई तकरीबन 10-15 मिनट मेरे रह गए। मेरा एक इरादा था कि अगर ऑफिस का एक खुली है तो वो मिला तो उसके साथ चैलेंजिंग करेंगे, आसान हो गया। छुट्टी हो गई है और मैं और उमेर निकले में, और इस टाइम पे हालत जो है बड़ी, लेकिन हुआ क्या, बड़ा दुख भरी न्यूज़ है कि 3 दिन की भाई तनख्वाह, वो जो मैंने बनाई थी वीडियो कि सैलरी बच गई, वो बची नहीं, वो कटेंगे भाई, यानी कि कोई 3,300 रुपये मेरी तनख्वाह में से कटेंगे। सो वो सुन के थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं तब पहली ही सैलरी इतनी, ऊपर से किराया बड़ा लगाया, सब फालतू हो गया, कितना बचाएं बाहर वैसे भी। खैर एनी वे, चलो देखते हैं इसी के अंदर अपने आप को इकोनोमाइज करेंगे। हुआ ये कि मैंने बुखार के अंदर, जो मैं बुखार में आया था, वो मेरी वीडियो भी है कि मैं बुखार में ऑफिस आया, तो मैंने 2-3 घंटे काम के बाद मैं चला गया, लेकिन वो अनपेड लगी मेरी, मतलब मुझे छुट्टी तो दे दी गई थी आधे दिन की, लेकिन वो पैसे मेरे कट गए। और पैसे कैसे कटे, घंटे मेरे काउंट होंगे वो, मतलब वो मुझे घंटे पूरे करने थे, वो कितने थे, 8 घंटे। तो उसमें से मैंने कवर किया, काफ़ी ब्रेकें नहीं ली, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी कहा था मैंने ब्रेक्स नहीं ली हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो वो फिर भी 2 घंटे रह गए। लेकिन अफसोस इस चीज़ को, वो अगर मुझे पता होता, मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया, खैर क्या किसी को कहें, अगर वो मुझे पता होता 2 घंटे मैं कर लेता, 2 दिन की मेरे को ब्रेक नहीं लेनी होती, कर लेते। खैर बारह नहीं हुए, राइट नाउ हम अपने बिल्डिंग से निकल रहा हूँ और उमेर के साथ जाऊँगा बाहर। उमेर अपने साथ है, मशहूर फेवरेट उमेर अपने साथ है तुम्हारे, अगेन बड़े अरसे बाद क्लासे हो रही है ना, असल में इसकी पढ़ाई है ना, लैंग्वेज क्लासेस के बीच में तबीयत भी ख़राब थी। खैर दुआ कीजिएगा उमेर के लिए, अल्लाह पाक इसकी जो चाहता है वो कामयाबी मिले, इसके कोर्स वोर्स भी कम्प्लीट हो। हेलमेट का है, अबे भूल गया तू ऊपर, अबे ले आ भाई ले आ यार, पहले ही हमारा, तूने भी चैट्स बहुत ली है ना, कोई बात नहीं गाइस, ये चैट्स लेने का नतीजा होता है। मैंने यहाँ नोट किया, मजा नहीं आता, यहाँ पे रखूँ दफा हुई बिरयानी, उसी पे ही चल रहा हूँ, सेहत को भी गुड रखना है। सो फार सो गुड, सो वी हैव टू भाई साहब, भाई साहब कहाँ कहाँ घुसेड़ घुसेड़ के मैंने बाइक को पकड़ के रखा हुआ एकदम क्लोज। चले भाई यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।